हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दो। हमारी संस्था की छत्तीसगढ़ समान अध्ययन शॉर्ट वीडियो सीरीज में 1 मिनट सीरीज के तहत आज हम छत्तीसगढ़ के महान स्वतंत्रता सेनानी इंजीनियर राघवेंद्र राव के विषय में आपको परिचित कराएंगे। छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी इंजीनियर राघवेंद्र राव बिलासपुर से संबंधित रहे, तत्कालीन सीपी बराड़ राज्य के मुख्यमंत्री के पद पे भी रहे, पहले छत्तीसगढ़िया थे जो गवर्नर के पद पे रहे, सेंट्रल लेवल पे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य रहे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्य होने के बावजूद महात्मा गांधी से प्रभावित थे तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों को सरकार की नीतियों से गोपनीय तौर पर अवगत कराते रहे। इंजीनियर राघवेंद्र राव ने आजीवन खादी वस्त्रों को धारण किया। आइए हम इनके विषय में जानते हैं। इंजीनियर राघवेंद्र राव जो हमारे छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से संबंधित रहे, इनका जन्म 1889 में कामठी नागपुर में हुआ था। परिवार के लोग कुछ समय उपरांत नागपुर से बिलासपुर में आके बस गए और बिलासपुर ही इनकी कर्मभूमि रही। प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर में इन्होंने प्राप्त की। 1914 में इंग्लैंड से बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त करके ये बिलासपुर लौटे। बिलासपुर नगर पालिका तथा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुने गए और लंबे समय तक इस पद पर रहे। 1928 के चुनाव में तत्कालीन सीपी बरार प्रांत में शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। 1937 अस्थायी रूप से मध्य प्रांत के गवर्नर नियुक्त किए गए। 1941 वायसराय की कार्यकारिणी में मनोनीत होने ले छत्तीसगढ़ के इकलौते सदस्य थे। विशेष द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ से भारत सरकार के रक्षा सदस्य रहे तथा एक उल्लेखनीय तथ्य यह भी है कि औपनिवेशिक काल में लंदन स्थित इंडिया काउंसिल के मेंबर रहे। आपकी मृत्यु जून 1942 में दिल्ली में हो गई थी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में महान व्यक्तित्व प्रश्न आता है और हमें यह बताते हुए खुशी है कि इंजीनियर राघवेंद्र राव के विषय में हमने महत्वपूर्ण तथ्य आपके समक्ष रखे।